सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं हूं नजरुल रजा और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल नासरी लाइट टेक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को मैं रिव्यू करके दिखाने वाला हूँ 6+6 और 8+8 हाई स्पीड सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन की डाई को। दोस्तों, ये हमारी निश्याम कंपनी की वाइंडिंग मशीन की डाई है जो हमारी 6+6 में और 8+8 में है। तो दोस्तों, अगर निश्याम कंपनी की वाइंडिंग मशीन को आप परचेज करते हो तो उसके साथ आपको डाई मिलती है टोटल 12, यानी कि तो यहाँ पे आपको जो तीन ही पंखे की डाई मिलती है 12+12, 14+14 और 16+16। दोस्तों, मशीन के साथ आपको हाई स्पीड सीलिंग फैन की डाई जो है देखने को नहीं मिलती है, इसे दोस्तों आपको जो अलग से परचेज करना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते, तो हमने जो परचेज किया है, इस वीडियो में आपको मैं इस स्टेटर को रिवाइंड भी करके मैं दिखाने वाला हूं जो दोस्तों हमारी 6+6 हाई स्पीड सीलिंग फैन की स्टेटर है। तो यहां पे हमारी ये किस तरह से रिवाइंडिंग करती है, चलिए आज के इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को कंटिन्यू पूरा जरूर देखिएगा, काफी अच्छी जानकारी यहां पे आपको मिलती है और आगे भी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही फ्रेंड्स हमारे चैनल पर परिवार चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू लेटेस्ट हमारी जो भी आने वाली वीडियो होगी आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप इस डाई को खरीदना चाहते हो यानी कि आप परचेज करना चाहते हो तो डिस्प्ले पे नंबर आपको शो रही है, ये दोस्तों कंपनी की नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके इस डाई को ऑर्डर कर सकते हो आप। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारी आप आगे वाली जो देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे हमारी 6+6 की डाई है और यहाँ पे देखिए हमारी कुछ इस तरह की यहाँ पे दिखने में, यानी कि इसकी बनावट हमारी कुछ इस तरह की है। और ये दोस्तों हमारी जो डाई है, ये हमारी स्टार्टिंग कॉइल की डाई है जो हमारी स्टार्टिंग कॉइल को रिवाइंड करेगी, ये हमारी डाई। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हमारी डाई है दोस्तों, ये हमारी रनिंग की है, यानी कि इससे दोस्तों हमारे यहाँ पे जो रनिंग कॉइल रिवाइंडिंग होती है। और इसकी बनावट फ्रेंड्स आप देख सकते हो, हमारी कुछ इस तरह की है। और यहाँ पे देखिए आपको जो इसकी एक होल्डर भी मिल जाती है, यानी कि जो आपके मशीन में पहले से जो होल्डर रहती है दोस्तों, वो होल्डर इसके अंदर फिट नहीं होने वाली है। यहाँ पे दोस्तों इसके लिए आपको जो अलग से एक होल्डर भी दी जाती है डाई को कसने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, अब आपको मैं यहाँ पे इस स्टेटर को रिवाइंड करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों, आप देख सकते हो हमने यहाँ पे जो स्टेटर को मशीन के ऊपर दोस्तों चढ़ाया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हमारी जो कुछ सेटिंग होती है, आइए आपको मैं सारा सेटिंग बताता हूँ, यानी कि हमारी वायर सेटअप, डाई सेटअप, हर चीज़ आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर जो है 35 नंबर की वायर ले लिया है और इस वायर को दोस्तों हमने जो है इस कीप के द्वारा निकाल लिया है बाहर, और इस लेमदा पत्ती से होकर दोस्तों हमें जो इस होल के द्वारा हमें जो वायर को कुछ इस तरह से सरिया के द्वारा निकाल लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पर जो इस सरिया से यहाँ पर जो बाहर किया हुआ है वायर, आपको जो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो वायर को निकालना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्या करनी है, जो हमारी 6+6 की डाई है उसे हमें लगाना पड़ेगा, जो हमारी मल्टी डाई है दोस्तों उसे हमें जो खोल लेनी है। तो यहाँ पे इसके जो होल्डर के साथ ही आपको जो हटा लेनी है, और इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे जो हाई स्पीड की डाई को सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से दोनों साइड से मैं यहाँ पे जो डाई को हटा लिया हूँ। अब देखिए हमारी जो हाई स्पीड की होल्डर है, उस होल्डर को मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ दोनों साइड से। दोस्तों, हम जो है इसी तरह यहाँ पे जो लगा देंगे इस होल्डर को, इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो डाई को फिट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो कुछ इस तरह से इसकी जो प्रोसेस होती है निश्याम कंपनी की मशीन में, देखिए हमारे यहाँ पे जो कुछ इस तरह से आपको जो सेटिंग भी करना पड़ेगा। हमारी स्टेटर की मोटाई जिस हिसाब से होगी उस हिसाब से आपको जो है यहाँ पे होल्डर के बीच में आपको जो है गैपिंग रखना है। और जब फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो इस होल्डर को फिट कर लोगे, आप हल्का सा आपको जो है दोस्तों होल्डर को बाहर की ओर कर लेनी है दोनों तरफ, यानी कि आपको जो कॉइल जो है थोड़ा सा बड़ा बनानी है ताकि आपको यहाँ पे जो पेपर डालने में दिक्कत ना होगी और यहाँ पे जो स्लॉट के अंदर कॉइल भी आपके आसानी से चल जाएगी। अब यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग कॉइल की डाई होगी, आपको जो सिंपली उस डाई को लेके और यहाँ पे आपको जो फिट कर लोगे, यहाँ पे देखिए कितनी आसान है डाई को फिक्स करना, यानी कि आसानी से डाई को फिक्स कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको जो वायर को जाने के लिए हमारी स्लॉट में जो हमारी वायर जाएगी वहाँ पे आपको जो गैपिंग बनाना है, यानी कि ज़्यादा गैपिंग कर दोगे तो आपकी यहाँ पे जो वायर टूटने की संभावना आएगी, इधर उधर हमारी जो वायर भी घुस जाएगी। तो आपको जो हल्का सा यहाँ पे गैपिंग बनानी, यानी कि 2 mm के आसपास, और यहाँ पे आपकी जो आसानी से स्लॉट में सारा वायर चल जाएगी। चलिए मैं मशीन को ऑन करता हूँ और इसके अंदर टर्न हम यहाँ पे जो स्टार्टिंग कॉइल में सेट करेंगे 510। 35 नंबर की मैं वायर यूज़ कर रहा हूँ, 510 टर्न मैं यहाँ पे जो सेट कर रहा हूँ, टर्न यहाँ पे मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही, तो ताकि हमारी मोटर की लाइफ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो। बट कोई नहीं, आप यहाँ पे जो 480 टर्न भी दे सकते हो स्टार्टिंग कॉइल में और 510 दोस्तों हमारे जो रनिंग में डाल सकते हो। बट यहाँ पे मैं 510 टर्न डाल रहा हूँ स्टार्टिंग में और 530 टर्न डालूंगा दोस्तों रनिंग में। अब यहाँ पे दोस्तों आपके जो वायर को जो कुछ इस तरह से डबल कर लेनी है ताकि हमारी लूप की मजबूती हो, और यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से वायर को जो है दोस्तों घुमा लेनी है 2-4 बार ताकि हमारी यहाँ पे जो वायर फंस रही है ये चीज़ आपको जो है देख लेनी है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हमने फंसा लिया, और चलिए मैं मशीन को ऑन कर दिया हूँ। और यहाँ पे देखिए हमारे कितनी ज़बरदस्त तरीका से हमारे यहाँ पे जो स्लॉट में कॉइल भर रही है, यानी कि काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे जो फिनिशिंग भी दे रही है, हमारे यहाँ पे जो कॉइल भी रिवाइंड हो चुकी है एक, आप देख सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे जो दूसरा स्लॉट को भरता हूँ, स्लॉट को दोस्तों हमें यहाँ पे जो चेंज कर लेनी है।
आउटर इनर की भी यहाँ पे जो ध्यान रखनी है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पे जो कनेक्शन होती है 1 से 3, यानी कि एक हमारी कॉइल उल्टा घूमती है और एक कॉइल हमारी जो सीधा घूमती है, यानी कि कनेक्शन आपको ध्यान देनी है। आउटर लूप हमारी निकलेगी तो आउटर में ही आपको जो रिवाइंड करनी है, इनर निकलेगी तो इनर में ही रिवाइंड करनी है। देखिए हमारे यहाँ पे जो है 2 कॉइल रिवाइंड हो गई, तीसरी हमारे यहाँ पे जो रिवाइंड हो रही है, तो काफ़ी ज़बरदस्त फिनिशिंग यहाँ पे जो देती है हमारी ये मशीन। और जैसे हमारी टर्न पूरी तरह से कंप्लीट होती है, जितना टर्न आप सेट करोगे उतना ही पे दोस्तों आपकी मशीन भी रुक जाएगी, एक भी टर्न आपको जो है आगे पीछे नहीं होने वाली है। मशीन दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है। फ्रेंड्स अब हमारे यहाँ पे जो 5वां कॉइल रिवाइंड हो रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे जो कितनी अच्छी तरह से हमारे यहाँ पे जो रिवाइंड हो चुकी है। फाइनल यहाँ पे यानी कि लास्ट हमारी कॉइल बच रही है, इसे भी दोस्तों मैं रिवाइंड कर ही लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पे जो सारा कॉइल यहाँ पे जो सॉल्ट में इंस्टॉल हो चुकी है। काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे जो फिनिशिंग भी दोस्तों हमारी ये मशीन ने दी है। तो इस तरह दोस्तों हमने यहाँ पे जो स्लॉट पेपर भी लगा के कंप्लीट कर लिया। अब आपको मैं रनिंग कॉइल को रिवाइंड करके दिखाऊंगा। तो रनिंग कॉइल को रिवाइंड करने से पहले दोस्तों हम यहाँ पे टर्न को सेट कर देते हैं। 530 टर्न हमने यहाँ पे जो सेट कर लिया है। और चलिए दोस्तों यहाँ पे हमने जो एक कॉइल को रिवाइंड भी कर लिया था, अब यहाँ पे मशीन को ऑन करता हूँ। एक दो बार आपको जो घुमा के चेक कर लेनी है, वायर हमारे यहाँ पे जो फंस भी रही है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ पे जो मशीन अच्छी तरह से चल रही है। तो इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे जो सेटिंग करके और मशीन को चलानी है, कोई भी दिक्कत यहाँ पे जो नहीं होने वाली है। तो इस तरह दोस्तों हमारे यहाँ पे जो दूसरी कॉइल रिवाइंड हो चुकी है। चलिए मैं आपको ये तीसरी कॉइल को रिवाइंड करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये डाई जो है काफ़ी अच्छी है, कॉइल भी दोस्तों अच्छी तरह से हमारे यहाँ पे जो भर भी जाती है। अगर इस डाई को आप खरीदना चाहते हो तो कंपनी को कॉल धरा के ऑर्डर कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे जो तीसरी कॉइल भी रिवाइंड हो चुकी है, आप देख सकते हो। चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं 4th कॉइल को रिवाइंड करूँगा। तो चलिए दोस्तों मशीन को मैं ऑन करता हूँ। तो हमारे यहाँ पे 4th कॉइल अभी जो रिवाइंड हो रही है, और यहाँ पे देखिए कॉइल हमारे ये थोड़ा भी बाहर नहीं निकल रही, यानी कि काफ़ी अच्छी यहाँ पे फिनिशिंग भी आपको मिल जाती है, और यहाँ पे वायर भी हमारे जो बाहर यहाँ पे जो नहीं निकलती है। हाँ यहाँ पे वायर भी आपका निकल सकती है जब आप यहाँ पे जो टर्न ज़्यादा डाल दोगे, तो उसी हिसाब से आपको जो टर्न को सेट करनी है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो फाइनल यानी कि लास्ट कॉइल अभी जो डल रही है, और आपको अब मैं फिनिशिंग दिखाऊँगा हमारी मोटर को किस तरह से इस मशीन ने रिवाइंड किया है, कितनी अच्छी यहाँ पे फिनिशिंग दी है। तो देखिए हमारे यहाँ पे जो लास्ट कॉइल हमारे यहाँ पे जो अभी डल रही है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो फिनिशिंग दे रही है। हाई स्पीड सीलिंग फैन को दोस्तों मशीन से कुछ इस तरह से रिवाइंडिंग की जाती है। इस तरह से दोस्तों हमारे यहाँ पे ये पूरी तरह से रिवाइंड हो चुकी है पंखा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी फिनिशिंग कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे जो है रिवाइंड हुई है। चौड़ा चौड़ा हमने यहाँ पे जो कॉइल भी बनाया है, और हाइट भी हमने यहाँ पे जो है ज़्यादा रखा है, और फिनिशिंग कितनी अच्छी यहाँ पे दी है मशीन ने, आप देख सकते हो। अगर दोस्तों इस मशीन को आप बाय करना चाहते हो, डिस्प्ले पर आपको नंबर मिल रहा है, उस नंबर पर कॉल करके मशीन को भी बाय कर सकते हो। साथ ही दोस्तों आपको डाई लेनी है तो डाई भी ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।